रहमान रहीम। ये 10 kg कीमा है, ये 10 किलो कीमे की आज हम देंग तैयार करेंगे। 250 ग्राम लहसुन, 4 से 5 लौंग, 3 से 4 किलो पानी, सुरख मिर्च, हसबे जायका, हल्दी हसबे जरूरत, नमक अपने टेस्ट के मुताबिक, या ज़्यादा कर सकते हैं, बड़ी इलायची 4 से 5 और 2 से 3 अदद दालचीनी के टुकड़े। ये तमाम चीज़ें इसके अंदर ऐड करके हम इसे मज़ीद 30 से 25 मिनट तक पकाएंगे। जैसे ही ये कीमा अच्छी तरह गल जाएगा तो फिर हम इसमें घी ऐड कर अगला काम करेंगे। ये साथ ही इसके अंदर टमाटर भी ऐड कर देंगे। जैसे ही हमारा कीमा गलेगा ये टमाटर तमाम मसाले भी अच्छी तरह गल जाएंगे। थोड़ा सा पानी रहता है, अभी इसे 5 मिनट मज़ीद पकाएंगे और ये कीमा हमारा बन के तैयार हो चुका है। ये पानी का तकरीबन ख़त्म होने वाला, कीमा हमारा बन चुका है, गल चुका है। और सब्ज़ मिर्च, अदरक, इसकी पेस्ट हम इसके अंदर ऐड करेंगे। सुरख मिर्च कम डाली है, सुरख मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा है। घी, जैसे ही ये पानी ख़त्म होगा साथ साथ कीमा पक रहा है, साथ साथ इसकी बनाई शुरू हो चुकी है। अच्छी तरह गल, इसे 45 मिनट गलने में लग गए हैं। पानी तमाम खुशक हो चुका है और कीमा जो है ये अच्छी तरह मैरिनेट हो रहा है। अब हम इसे इसके अंदर आलू ऐड कर रहे हैं। ये अब साथ साथ हम इनकी बनाई करेंगे और साथ साथ ये आलू भी पकेंगे इसके अंदर। जैसे ही ये ज़्यादा होगा तो ये कीमा जो अच्छी तरह बना जाएगा और जो आलू है ये इसके अंदर हाफ डन हो जाएंगे। अब इसे मज़ीद अच्छी तरह ला रहा, घी लादा ना हो जाए, कीमा हमारा बन के तैयार हो जाएगा। 20 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे। हमारा आलू भी गलते गल चुके हैं, कीमा हमारा तैयार हो गया। अब हम इसके अंदर धनिया ऐड करेंगे। ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा तरीन भी ऊपर आ चुका है। तो अब हम इन्हें भी शॉप करते हैं। अब ये देखें, ये हमारा कीमा बन के तैयार हो चुका है। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का सवाल ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हुए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।